लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इंटरसिटी एक्सप्रेस से आज कोटा पहुंचे, जहां से कोटा बूंदी के दो दिवसीय प्रवास पर हैं। इस दौरान वे संसदीय क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष बिरला दोपहर 1:30 बजे लोकसभा कैंप कार्यालय से माड़ा योजना के तहत खैराबाद और सुल्तानपुर पंचायत समिति क्षेत्रों में 8 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। तो कोटा प्रवास पर है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और आज सुबह वो कोटा पहुंचे हैं ट्रेन के जरिए। संसदीय क्षेत्र को अब आज वो विकास कार्यों की सौगात देंगे। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के वो सांसद हैं, लिहाजा अपने संसदीय क्षेत्र के निवासियों को कई तरह की सौगातें वो देंगे। 8 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। हमारे साथ में योगेश त्यागी जुड़ गए हमारे कोटा से सहयोगी, उनका रुख कर लेते हैं। योगेश, आपसे जानना चाहेंगे, ओम बिरला सुबह जयपुर कोटा पहुंच चुके हैं, तो ऐसे में क्या कुछ खास कार्यक्रम उनके आज दिन भर के रहने वाले हैं? बिल्कुल दीपक, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो है वो आज सुबह तड़के इंटरसिटी एक्सप्रेस से कोटा पहुंचे हैं और आज जन सुनवाई वो करेंगे। इसके साथ ही 1:30 बजे लोकसभा अध्यक्ष कैंप कार्यालय से माड़ा योजना के तहत खैराबाद और सुल्तानपुर पंचायत समिति के क्षेत्रों में 8 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का जो है लोकसभा अध्यक्ष शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही कई और निजी और सरकारी कार्यक्रमों में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शिरकत करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जब भी कोटा प्रवास पर आते हैं तो नित नियम होता है कैंप कार्यालय पर जन सुनवाई का भी दौर चलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसदीय क्षेत्र के लोगों से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और उनका निस्तारण भी देंगे। ये हमेशा का रूटीन होता है लोकसभा अध्यक्ष का, जो लोग हैं उनसे, अपने संसदीय क्षेत्र के इलाके के जो लोग हैं उनसे जुड़ाव जो है लोकसभा अध्यक्ष का वो रहता है और अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की समस्याएं जब भी लोकसभा अध्यक्ष कोटा आते हैं सुनते हैं और उनका निस्तारण करवाते हैं। दीपक, बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए योगेश त्यागी आपका। तो कोटा से हमारे सहयोगी योगेश त्यागी फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि आज ट्रेन के जरिए कोटा पहुंच चुके हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और आज उनके कई कार्यक्रम है। माड़ा योजना के तहत कई विकास कार्यों का शिलान्यास वो करेंगे, शुरुआत करेंगे उनकी।